देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने वाले और देश का संविधान बनाने वाले महानायक आज अगर होते तो इन तस्वीरों को देखकर निश्चित ही बहुत दुखी होते। ऐसी यातनाएं तो उन्होंने शायद अंग्रेजी शासन में भी नहीं देखी होंगी, जैसी आज का अन्नदाता एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक मुल्क में देख रहा है। हरियाणा और पंजाब से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कृषि प्रधान कहे जाने वाले इस देश में अन्नदाता की कोई कीमत नहीं है। ना ही किसी को उसकी तकलीफ से कुछ लेना देना है और ना ही किसी को उसके अधिकारों की फिक्र है। किसान कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली कूच करने वाले हजारों किसानों को पंजाब और हरियाणा के अलग अलग शहरों में रोक दिया गया। किसानों को राजधानी दिल्ली में दाखिल तक नहीं होने दिया जा रहा। कहीं सड़कों पर मोटे मोटे पत्थर रखकर रास्ता बंद कर दिया गया है तो कहीं पुलिस ने डेरा डाल रखा है। कहीं भरी ठंड में किसानों पर वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों का दम घोटा जा रहा है। इस मोड़ पर आ गए हैं जिसका हमें डर लग रहा था, जिसके बारे में हम चिंता कर रहे थे और सुबह से घबरा रहे थे। जिस दिन पूरा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान दिवस मना रहा है, उसी दिन देश में किसानों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। देश का अन्नदाता आज लाठियां खा रहा है। क्या कोई है जो मोदी सरकार से ये पूछे कि खुद को किसान का बेटा कहने वाले प्रधानमंत्री क्या इस तरह से संविधान दिवस मनाते हैं? और कहाँ हैं वो विपक्ष के नेता जो सदन में कुर्सियों से उछलते हैं लेकिन अन्नदाता के लिए सड़क पर नहीं उतरते? धरती फाड़कर फसलें उगाने वाला अन्नदाता आज फिर एक बार हुकूमतों को कोस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।